अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जानवरों की मक्खी मच्छर से कैसे जान छुड़ाएं। चूँकि ये मौसम मक्खी मच्छर का है और जानवरों को इंतहाई तंग करते हैं, जिस वजह से जानवर ना सिर्फ दूध कम कर देते हैं बल्कि उनकी सेहत पर भी काफ़ी असर पड़ता है। और अगर बहुत ज़्यादा मक्खियाँ और मच्छर आ जाएँ तो बीमारियों के साथ साथ जानवर की सेहत डाउन होना शुरू हो जाती है और जानवर काफ़ी कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। बहुत से लोग मक्खी मच्छर की दवाइयों से डरते हैं कि उनका छिड़काव जिस्म पर ना किया जाए और मुंह पर ना किया जाए, जिससे जानवर बीमार हो जाते हैं और बाद जानवर को जहरीली असरात की वजह से बीमारियां भी लग जाती हैं। तो आज मैं आपको ऐसा नुस्खा बताऊंगा कि अगर जानवर को ऊपर छिड़काव किया जाए तो जानवर को कोई नुकसान नहीं होगा, और अगर जानवर के मुँह पर भी लग जाए और अगर वो जानवर चाटता भी रहे तो भी उसको इससे कोई नुकसान नहीं होगा। बहुत ही आसान तरीका है और इसलिए फार्मूला लेके आया हूँ। बहुत से लोगों ने ये बात की थी कि हमारे जानवर चाटते हैं तो इससे उसको नुकसान होगा, तो इससे इंशाल्लाह जानवरों को नुकसान भी नहीं होगा और आप छिड़काव भी पूरे जिस्म पर कर सकते हैं और नीचे भी कर सकते हैं, दीवारों पर कर सकते हैं, हर जगह पर इसका स्प्रे आप कर सकते हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो बताने से पहले, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि अगली आने वाली मालूमाती वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, हमने इस फॉर्मूले में चार चीज़ें लेनी हैं और उनको मिक्स करके जानवर पर स्प्रे कर देना है, तो इंशाल्लाह मक्खी मच्छर के साथ साथ जानवर के असर पर भी कोई जानवर की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई किसी किस्म का जानवर को नुकसान नहीं होगा और मक्खी मच्छर भी मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमने फिनाइल लेना है, 100 ग्राम ब्लैक वाला फिनाइल हमने लेना है। किसी भी शॉप से आप फिनाइल का पता करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा, बड़े स्टोरों से मिल जाएगा। ब्लैक वाला जो फिनाइल होगा वो हमने लेना है 100 ग्राम। इसके बाद हमने लेना है सरसों का तेल, वो भी 100 ग्राम। और तीसरे नंबर पर हमने लेना है काला तेल मुबले, जो बाइक वगैरह से निकालते हैं जो ज़ाया हो जाता है, और जो गाड़ियों से इंजनों से हम फारग कराते हैं अपना तेल और नए डालते हैं, तो वो काला तेल जो जामे वगैरह से निकालते हैं वो हम लेना है 100 ग्राम। और इसके बाद चौथे नंबर पर हमने लेना है डीज़ल, वो हमने लेना है 400 ग्राम। दोस्तों, इन सारी चीज़ों को हमने एक बोतल में मिक्स कर लेना है और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसके ऊपर वो फवारे वाली नली लगा देनी है और इससे जानवर के ऊपर स्प्रे कर देना है। दीवारों पर स्प्रे कर सकते हैं, नीचे स्प्रे कर सकते हैं, तो इससे जानवर के ऊपर जो मक्खियाँ होंगी वो मर जाएंगी और नई मक्खियाँ वहाँ पर नहीं बैठेंगी। और ये तकरीबन इसका असर 10 से 15 दिन रहेगा। 10-15 दिन तक आपके जानवर के करीब मक्खियाँ नहीं आएंगी और 15 दिनों बाद आप दोबारा भी ये स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों, इस स्प्रे का कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा और आपके जानवरों की सेहत के साथ साथ मक्खियों से भी जान छूट जाएगी। मक्खियाँ ना सिर्फ जानवर को तंग करती हैं बल्कि उनकी सेहत पर भी मुज़र असरात पैदा कर देती हैं और साथ में दूध की पैदावार में भी काफ़ी कमी हो जाती है। और फार्मर हज़रात इन मक्खियों की वजह से खसूसन बहुत परेशानी का सामना करते हैं, दूध की कमी की वजह से उनकी आगे डिमांड पूरी नहीं होती है और साथ में खसारा भी काफ़ी हो जाता है। ये स्प्रे करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मक्खी मच्छरों से जान छूट जाएगी। दुआ है अल्लाह पाक हमारे जानवरों में, रिज्क में, माल में बरकतें अता फरमाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि अगली मालूमती वीडियो आपको मिलती रहे।